मॉर्निंग फैमिली, सो हमारी मॉर्निंग हो गई है, सो रहे हैं, हो गई है, मेरा भी नहाना पूजा पाठ सब हो गए, अभी तो बहुत अंधेरा है, रेडी हो गई है। अरे बहुत अब ये अंधेरा है, प्यू बिल्कुल रेडी हो गई है जाने के लिए। कुछ तो खा लो, बादाम खाया? प्यू को बादाम और चंद्रास अखरोट डाल देती हूँ क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो कोई भी नहीं खाना खाएगा, सो कैप लगा यही रहता। और मैंने फ्राइड राइस बनाया था, फ्राइड राइस भी इन्होंने पैक कर लिया है, और पूरे दिन का वर्किंग होगा जब मैं फ्री हो जाऊँगी, सब कुछ करके आ जाऊँगी। नवीन आज घर पे ही रहेंगे, बिकॉज उनको बुखार है तो वो घर पे ही रहने वाले हैं। फाइनली गाइस मैंने खाना बना लिया और बहुत लेट ब्लॉगिंग चालू किया मैंने, बनाया मैंने पूरी रोटी एंड चटनी, टमाटर की ये वाली चटनी जो हमारे साइड में बहुत फेमस है, बट मैं जब से दिल्ली से आई जब से खाना स्टार्ट किया उसके पहले माइंड से निकल गया था कि इसको भी खाना रहता है क्योंकि इतनी घाई घाई रहती है, तो इस बार गई तो भाई ने बनाया था, सो अभी हम खाना चालू किए हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया जब से मैं मैक्सिमम बनाती हूँ, तो खाना निकालती हूँ, खाने बैठती हूँ, बिकॉज पता है क्या मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। हाँ, और मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बैठी है, सो खाने तो खाना बनता ही है। चलते हैं खाना खाने, खाना ले चलो। हाँ तो चलते हैं खाना ले चलो, खाना खाने भूख लगी, भूख एक लो चटनी ले लो टमाटर वाले। लेट खाएंगे बिकॉज वो डैड के साथ सब्जी लाने गई थी, तो वो उन्होंने बहुत भाग रहा था गैस वाला, मैं गुस्सा आके उधर से आ गए, सब तो आ गए ना। हमारा खाना हो गया, मैं बार बार आगे खुशी अपडेट आपको कर रही हूँ, क्या करूँ, एक कैमरामैन होता है तो उसको अच्छे से ब्लॉगिंग होती है, और हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है बिकॉज आपको पता है कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, सो कोई नहीं, धीरे धीरे से ही चालू होता है, ऐसे चालू होता है। और ये देखो किलो मटर आ गए हमारे यहाँ, यहाँ पे है 40 रुपया केजी, 5 किलो आए हैं स्टोर करने क्योंकि इससे सस्ता नासिक में होता नहीं है मटर, नासिक में मटर होता ही नहीं है, तो हमने 5 किलो ला दिए और 2 किलो पहले स्टोर किया, तो उसको निकालूंगी 5 किलो पहले, फिर मैं इसको छोड़ा के स्टोर करूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए, एक दिन और 5 किलो आ जाएगा, 10 किलो कम हो जाएगा। चलिए काम करते करते आप लोगों से बात भी कर लूं कि कोई कैमरा मैन तो है नहीं, सो मुझे ही करना पड़ेगा, सो देखती हूँ कल अभी ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते, तबीयत ठीक रहेगी तो ही जाएंगे, अदरवाइज कल भी नहीं जाएंगे। और मेडिसिन भी खा लिया, ये पेरू कितने पुराने हो गए हैं ना, इसको फेंकने पड़ेंगे मुझे, पेरू मीन्स सॉरी अमृत, मतलब महाराष्ट्र में पेरू बोलते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे दूध लेके आ गई, हल्दी दूध मेरा और नवीन का, सब चलती रहती और हमारे घर ही आज तक चलता रहता है, इसके सिवा कोई चैनल हमारे घर में नहीं। सो दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद से आई हो न्यूज में क्या दिखा रहा है बागेश्वर बाबा का, बागेश्वर बाबा का देखा है, उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, सो अच्छा काम करने जाओ तो लोग तो बीच में पत्थर डालते ही, लेकिन हम तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, अपना अच्छा काम करते जाओ। हाँ। तो ना घबरा रहे हैं, कुछ इतने
ऑब्वियसली बिकॉज वो सच है ना, सच्चाई पे है, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो डरने की क्या जरूरत है, कोई गलती ही नहीं किया ना उन्होंने। जय बागेश्वर बाबा की जय। एक बार जाना है हमें, जाना है, देखते हैं कब जाते हैं। दूध पीते हैं पहले तो, आराम से पहले तो दूध पीते हैं। और हमारे घर में दिन भर बिजनेस बिजनेस काम बात चलता रहता है, ठंडा ज्यादा गर्म नहीं किया है। आदत है ना खाना खाने के बाद वो जरूर फ्रिज में जाएगी और चॉकलेट पक्का ही चॉकलेट खाएगी। पियो क्या खाया बेटा? मैंने आपसे क्या बोला? नहीं नहीं मैं नहीं खाती, मेरे को मीठा मना है। अपने डैडों को भी दी, खुद भी खाई। और कल परसों इनकी छुट्टी है तो कल स्टडी, कल मैंने बोला स्टडी रात तक करो फिर सुबह थोड़ा लेट उठ जाना। कल थोड़ा आराम से उठना पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा ही लेकिन थोड़ा आराम से, बिकॉज पीवी को बहुत जल्दी जाना होता है, इसलिए खाने की तैयारी करनी रहती है। नवीन के पास फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दवा खाएं तो थोड़ा बुखार उतर है तो चालू है इनका काम, अगर कल ठीक रहा तो जाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट मंडे को जाएंगे। सो गाइस मैंने सब कुछ खाना पीना मेडिसिन दूध सब कुछ जो भी होता है ना कर लिया, और आगे बेड पे आपसे थोड़ी सी बातें करूँगी, ब्लॉग एंड करूँगी। वेट ब्लॉग एंड करूँगी एंड ये मतलब एक मिनट हम ब्राइटनेस बराबर। ऐसा होता है ना कि आप ऐसे कुछ नहीं खाओ, जैसे कि मेरे को कोई मतलब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी पहले, सिर्फ पकौड़े वकौड़े तो मैं अभी भी उतना नहीं है, लेकिन बिस्किट खाती थी मैं, ऐसा नहीं, बिस्किट मुझे बहुत पसंद है और पानी में डंप करके डुबो के खाना, वो जो सॉफ्ट हो जाता है ना तो मुँह में जाता तो बहुत टेस्टी लगता है, वो मुझे बहुत पसंद है। सो अब वो सब कुछ डॉक्टर ने मना कर दिया, तो ऐसा दिल करता है एक पैकेट खा लूँ या दो तीन खा लूँ, बट नहीं खाती हूँ कि कुछ रीज़न है सॉल्व हो जाए। डॉक्टर ने जब मना किया है तो बिल्कुल उसको फॉलो करो। सो बहुत मन करता है ऐसे, और ऐसे नहीं मन करेगा लेकिन जब जब से डॉक्टर ने मना किया ना जब से, और बहुत मन करता है। मतलब सोचो खुद मिक्सचर बिस्किट और ऑयली चीज़ भी मना कर रहा है उसने, तो ऑयली चीज़ तो वैसे भी नहीं खाती हूँ, बट जब कोई मना करता है ना तो और दिल करता है, दिल और करता है। सो और हमारा टिकट फाइनल हो गया, टिकट हो गया, मैं और पीहू कहाँ जा रहे हैं तो सोच रही हूँ बता दूँ मैं आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और आपको ब्लॉगिंग में मैं सोच रही नहीं बताऊँ, आप ही बताओ कमेंट बताऊँ बताऊँ या ना बताऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पीयू के एग्ज़ाम के बाद कोलकाता दिल्ली, तो कंफर्म मुझे बताना, आप लोग मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। टिकट हो चुका है लेकिन आप लोग बोलोगे तो कैंसिल करा के वहाँ करा लूँगी। कोलकाता है, दिल्ली है, दो जगह का टिकट है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। और टिकट हो चुका है लेकिन आप लोग कमेंट करो कि हम मैं कहाँ जा रही हूँ, कोलकाता जा रही हूँ दिल्ली जा रही हूँ। सो मेरी ब्लॉगिंग में कुछ खास नहीं रह रहा आजकल, सोचती भी हूँ ना कुछ अलग सा करूँ तो रोज़ डेली मैं आपको वही ब्लॉगिंग दिखाती हूँ, बस कुछ वर्ड्स मेरे अलग होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे कंटेंट है कि मैं बना सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है ना टाइम नहीं हो पाता जिसकी वजह से बना नहीं पाती हूँ। और एक्चुअली क्या है ना हमारे कंपनी की ऑडिट होने वाली है जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, घर पे जो भी पेपर जो भी इनवाइज हमारी रहती है उसको सब क्रॉस चेकिंग, मतलब आपको पता है कि ऑडिट की वजह से सब कुछ सब देखना पड़ता है। तो अभी डेट नहीं फाइनल हुआ है बट होने वाली है, ऑडिट कब हो रही है अभी फाइनल नहीं है, सो उसमें थोड़ा सा माइंड हमारा जा रहा है। तो मेरी ब्लॉगिंग आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताना। आई नो आप लोग नहीं बताओगे क्योंकि मैं डेली ही यही वर्ड्स बोलती हूँ, आप नहीं बताओगे कोई नहीं, इट्स ओके, बट मेरी ब्लॉगिंग को आप लोग प्यार करो। और मेरा एक और चैनल है वो भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है,
तो वो जब वो भी 1000 पे आएगा तभी मैं उसका भी लिंक शेयर करूँगी। ऐसे मैं नहीं चाहती हूँ लिंक शेयर करूँ, बिकॉज़ मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरे उसमें कोई रिलेटिव आए। क्योंकि चलो छोड़ो, कोई नहीं, ये इस बात पे मैं, इस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूँगी। बट ऐसा नहीं है कि कोई रिलेटिव है, मीन्स कहने का मतलब ऐसा है कि लोग ना कमेंट्स गंद फालतू करते हैं इसकी वजह से। मुंह पे तो नहीं बोलते लेकिन पीठ पीछे बोलते, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है। उससे अच्छा कि वो इंसान देखे ही ना वो ब्लॉग या वीडियो ही नहीं देखे, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन करूँगी मैं, दुनिया से डरने का, क्यों 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 डरने का दुनिया से, करने का। लेकिन 1000 हो जाएगा जब मैं करूँगी, अभी नहीं करूँगी, अभी बहुत पीछे हूँ मैं। सो गाइस, मेरी ब्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बहुत सारा प्यार दो।